आज हम सावन महीने में होने वाली कांवर यात्रा के बारे में चर्चा करेंगे। सावन महीना भगवान भोलेनाथ की भक्ति का महीना माना जाता है। मान्यता है कि इस महीने में जो भक्त भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त कर लेता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। भगवान शिव को मानने वाले सावन के महीने में कांवर यात्रा करते हैं और भोलेनाथ पे जल चढ़ाते हैं। सावन के महीने में भोलेनाथ पे जल चढ़ाने के पीछे एक पौराणिक कहानी है। इसके अनुसार समुद्र मंथन श्रावण मास में हुआ था। मंथन से निकले विष को सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान शिव ने अपने कंठ में समाहित किया था, जिससे उनका गला नीला हो गया, जिस कारण भोलेनाथ को नीलकंठ भी कहा जाता है। विषपान के कारण विष की गर्मी को शांत करने के लिए देवी देवताओं ने गंगा जल लाकर भगवान शिव पर चढ़ाया, तब उनके गले की गर्मी शांत हुई। तब से हर सावन के महीने में शिव भक्त पवित्र गंगा जल लाकर भोलेनाथ को गंगा जल अर्पित करते हैं और इसी के साथ ही कांवर यात्रा करने की परंपरा शुरू हुई। गंगा जल एक पवित्र स्थान से अपने कंधे पर ले जाकर भगवान शिव को सावन के महीने में अर्पित किया जाता है। इस यात्रा के दौरान भक्त बोलबम बोलबम का नारा लगाते हुए पैदल यात्रा करते हैं। कहा जाता है कि कांवड़ यात्रा करने वाले भक्त को अश्वमेघ यज्ञ के समान पुण्य मिलता है। कांवड़ यात्रा का इतिहास बहुत पुराना है। शास्त्रों के मुताबिक भगवान शिव के परम भक्त परशुराम ने पहली बार इस कांवड़ यात्रा को सावन के महीने में किया था। इस यात्रा में पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। इसके अलावा एक और मान्यता है कि इस यात्रा की शुरुआत श्रवण कुमार ने की थी। श्रवण कुमार ने अपने माता पिता की इच्छा पूरी करने के लिए उनको कांवड़ में बैठा कर ले आए और हरिद्वार में गंगा स्नान कराया था। इसके साथ ही श्रवण कुमार वापस आने वक्त गंगा जल भी लेकर आए थे और इसी जल से उन्होंने भोलेनाथ का जलाभिषेक किया था। कांवर यात्रा एक पवित्र और बेहद ही कठिन यात्रा होती है। इस यात्रा के दौरान भक्त पवित्र स्थानों से गंगा जल लेकर आते हैं। इसके साथ ही भक्त उसी पवित्र स्थान पर गंगा स्नान भी करते हैं। ज़्यादातर लोग गंगा जल गौमुखी, गंगोत्री, ऋषिकेश, हरिद्वार और सुल्तानगंज से गंगा जल को लेकर भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। एक बात और, भक्त जो कांवड़ लेकर जाते हैं वो बांस की बनी होती है। इसके दोनों छोरों पर घड़े बंधे होते हैं या जलपात्र बंधा होता है जिसमें गंगा जल रखा जाता है। इन्हीं जलपात्रों में गंगा जल भरकर कांवड़ यात्रा को पैदल पूरा किया जाता है। इसके अलावा कुछ लोग अपनी सहूलियत के मुताबिक बाइक, स्कूटर या अन्य साधन द्वारा जाते हैं। इसके साथ ही इस यात्रा के दौरान लोग भक्तों को आराम देने के लिए जगह जगह विश्राम स्थल भी बने होते हैं। इनके खाने पीने का इंतजाम भी किया रहता है। चिकित्सा की भी सुविधा जगह जगह उपलब्ध कराई जाती है। इन कांवर यात्रियों की सेवा करना बहुत ही शुभ माना जाता है, इसलिए जगह जगह पर भक्तगण उनकी सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। शास्त्रों के अनुसार कांवर यात्रा के तीन प्रकार बताए गए हैं। पहली है सामान्य कांवर यात्रा। इसमें कांवरिया अपनी ज़रूरत के हिसाब से और थकान के मुताबिक जगह जगह रुककर आराम करते हुए इस यात्रा को पूरा करते हैं। दूसरी है डाक कांवर। इस यात्रा में कांवरिया जब तक भगवान शिव का जलाभिषेक नहीं कर लेता है तब तक लगातार चलते रहते हैं। इस यात्रा में कांवरिया आराम नहीं करते हैं। तीसरी होती है दंडी कांवर। इस कांवर यात्रा में कांवरिया गंगा के किनारे से लेकर जहां तक भगवान शिव का जलाभिषेक करना है वहां तक दंडवत करते हुए अपनी यात्रा पूरी करते हैं।
इस यात्रा में कांवड़ियों को एक महीने से ज़्यादा का समय लग जाता है। कांवर यात्रा शिव भक्त जनों के लिए एक बहुत ही पवित्र पर्व के रूप में माना जाता है। साथ ही जो व्यक्ति कांवर लेकर जाते हैं उसके लिए बहुत से नियमों का भी पालन करना पड़ता है। इस नियमों में भक्तगण को सात्विक भोजन करना होता है, मांसाहार शराब के सेवन से बचना होता है, रास्ते में कहीं भी कांवड़ को जमीन पर नहीं रखा जाता है, विश्राम के समय भी कांवड़ को स्टैंड या पेड़ पर लटकाना होता है। अगर कांवड़ को नीचे रखा तो उसका उद्देश्य सफल नहीं हो पाता है, ऐसे में दोबारा गंगाजल भरकर यात्रा शुरू करनी पड़ती है। और इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि जिस पात्र में गंगाजल लिए हैं वो पात्र जमीन को स्पर्श न करे। जिस मंदिर में अभिषेक करने का संकल्प लिया जाता है वहाँ तक नंगे पांव ही चलकर जाना होता है। जब भक्तजन किसी जगह विश्राम करते हैं और अपने कांवर को कुछ देर के लिए किसी बने हुए स्टैंड पर रखते हैं तो उसके बाद भक्तगण स्नान करने के बाद ही कांवर को छूते हैं। यात्रा के दौरान कंघा, तेल, साबुन इत्यादि का इस्तेमाल वर्जित माना गया है, चारपाई पर नहीं बैठा जाता है। इस तरह बहुत से नियमों का पालन किया जाता है तब यह कांवर यात्रा संपूर्ण मानी जाती है। हर साल लाखों भक्तजन भगवान भोलेनाथ पर गंगा जल अर्पण करते हैं और अपनी मन की मुराद पूरी कराते हैं। अगर आप भी भोलेनाथ के दर्शन करना चाहते हैं तो सावन के पवित्र मेला में भोलेनाथ के दरबार अवश्य जाएं। तो साथियों, आज हमने आप लोगों से कांवर यात्रा के बारे में चर्चा की। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही आपके जो भी सुझाव हो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें।